फ्रेंड्स ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। क्लास 7 चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 5.2 इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4th है आपका, क्वेश्चन नंबर 4th करेंगे हम इसका। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या है आपका, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ r टाइटल m। फिगर क्या है आपकी, फिगर देखिए, ये r है और ये आपका क्या है, m है। इफ मींस गिवन r टाइटल m और ये आपका t एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, t है और यहां पर ये एंगल 110 डिग्री है, x निकालना है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसको बन ले लीजिए इस एंगल को, तो 110 और 110 और एंगल 1 ये मिलकर के आ जाएगा 180 डिग्री। इसको बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। लीनियर पेयर कैसे बनते हैं, कोई भी एक लाइन ले लो उसके ऊपर ये पेयर बन गया, तो अब यहां से एंगल 1 आ जाएगा आपका 180 - 110, एंगल 1 आ गया 70 डिग्री। तो हमने 1 यहां ऐड कर लिया था, ये 70 डिग्री आ गया, ये कितना आ गया 70 डिग्री। अब हमें x निकालना है इसका, तो x कैसे निकलेगा, x इसका निकल आएगा, देखिए ये z बन गया, क्या बन गया z, तो ये 1 हो गया, ये x हो गया, तो x is equal to एंगल 1 आ जाएगा और 1 कितना आया था 70 डिग्री, ये आंसर आ गया। रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, तो सेकंड पार्ट देखिए इसका क्या है, सेकंड पार्ट आपका ये है, देखिए आप यहां से सेकंड पार्ट में ए और बी एल और एम पैरेलल लाइंस हैं इसमें, और यहां ये एक्स है और ये 100 है, ये 80 है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे, पहले हम इसका फिगर बना लेंगे, तो फिगर बनाएंगे, तो ये फिगर में क्या है आपका, देखिए ये दो लाइन ले लीजिए आप, पहले ये लाइन है आपकी ए और ये लाइन है आपकी बी, और दो ट्रांसवर्सल है, इसका नाम है आपका एल और ये आपका एम, तो ये दोनों पैडल हैं इसमें, एल भी पैडल है, एम भी पैडल है। यहां पर क्या है, इफ ए पैडल बी एल पैडल एम, ये पैडल है और यहां पर जो वैल्यू दी है एंगल की वो कितना है, ये 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री है और ये यहां पर एक्स है और ये 80 डिग्री दिया हुआ है। अब यहां से देखेंगे तो x, ये इधर से देखो लाइन के ऊपर 100 और लाइन के ऊपर x है, तो ये दोनों क्रॉस टेंडिंग है, सेम साइड सेम पोजीशन में, लाइन के ऊपर ये भी लाइन के ऊपर, तो x इक्वल टू सीधे 100 डिग्री लिखेंगे, यहां रीजन आएगा क्रॉस टेंडिंग, ये पूरी स्पेलिंग लिखना, क्रॉस टेंडिंग एंगल्स आर इक्वल, क्रॉस टेंडिंग एंगल्स आर इक्वल, ये इक्वल होंगे जब कोई भी पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला जैसे लाइन के ऊपर बनता था 100 डिग्री और ये यहां बनता है x, क्रॉस बेंडिंग हो गया एक जैसे संगत, क्योंकि हम लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल की एक साथ क्रॉस बेंडिंग एंगल सारी पर 80 का यूज नहीं हुआ। अब ये 80 का यूज नहीं हुआ, अगर हम यहां पर जैसे आपको यहां पर जैसे हमने दे दिया यहां अपने तरफ से y एक्स्ट्रा दे दो, तो एक्स्ट्रा दे दो तो एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, y कितना आ जाएगा, ये लाइन के नीचे एक ही लाइन के नीचे, तो y इक्वल टू यहां पर 80 डिग्री आ जाएगा, इसका भी सेम रीजन आएगा, सेम रीजन ये ऊपर वाला आ जाएगा, तो y यहां से 80 डिग्री आ गया। ये निकालना नहीं था लेकिन हमने आपको इसमें समझा दिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देखिए कैसे करेंगे हम,
क्वेश्चन नंबर 50 के लिए अपन क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर दिया हुआ है इन द गिवन फिगर रीड द क्वेश्चन केयरफुली इन द गिवन फिगर फिगर आपको दिया है एक ये एंगल है आपका ये एंगल हो गया दूसरा एंगल ए है ये दूसरा एंगल हो गया अब इसको ए से डिनोट किया है ये बी है यहां पर सी है ये डी की पोजीशन है और यहाँ पर जी है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये ई की पोजीशन है अब इसमें क्या है इन द गिवन फिगर आर्क ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल ए बी इसके पैरेलल है डी के तो गिवन में क्या आ जाएगा गिवन में आ जाएगा आर्क ए बी पैरेलल डी ई हो गया एंड दूसरा क्या आ जाएगा बी सी पैरेलल ई एफ बी सी पैरेलल ई एफ अब यहाँ पर एंगल 70 डिग्री गिवन है अब इसमें पहला पार्ट पूछा है फाइंड डीजीसी डीजीसी ये वाला एंगल निकालना है दूसरे में डीईएफ डीईएफ ये वाला एंगल निकालना है तो यहाँ पर देखिए गिवन है एंगल एबीसी कितना दिया है 70 डिग्री तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है एंगल डीजीसी डीजीसी तो डीजीसी कितना आएगा DGC आएगा ये लाइन के नीचे है ये लाइन के नीचे है तो ये आ जाएगा 70 डिग्री कितना आ गया 70 डिग्री ये 70 डिग्री आ गया अब पूछा है DEF सेकंड पार्ट में क्या पूछा है एंगल DEF ये एंगल DEF किसकी इक्वल आ जाएगा DGC के ये तो किसकी इक्वल आया था आपका ABC के इक्वल आया था और ये वाला DEF DGC के इक्वल आएगा तो DGC ये कितना आ गया 70 डिग्री ये आ गया आपका आंसर तो इसका जो रीजन होगा वो रीजन क्या होगा देखिए यहां पर लिखेंगे आप इसका जो रीजन आएगा बिकॉज यहां पर करोस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल यहां पर क्या रीजन आएगा Corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal. ये लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है ट्रांसवर्सल के नीचे ट्रांसवर्सल के इस लाइन के नीचे पैरेलल लाइंस के नीचे पैरेलल लाइंस के नीचे ट्रांसवर्सल के सेम साइड तो ये करोस्पेंडिंग आ गया अभी लाइन के ऊपर ये भी लाइन के ऊपर है तो ये DGC DEF के इक्वल आ गया इसका रीजन ये आ गया यहां से आपका ये रीजन आ गया रीजन इतना कंपलसरी है अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है इसमें इन गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड Whether L is parallel to M बताना है क्या L M के parallel है L M के parallel है ये हमें बताना है तो इसे थोड़ा सा इस portion को हटाते हैं space नहीं है अब यहाँ से देखिए question number 6 का first part ये figure है आपको दिया हुआ है एल एम है ये आपका एल है ये आपका एम है और ये ट्रांसवर्सल है और एन नाम दिया है ये एंगल 126 डिग्री है ये 44 डिग्री है अब बताना है ये एल पैरेलल एम या एल एम के पैरेलल है तो ये 126 और 44 को मिला तो यहाँ पर देखो 6 प्लस 4 कितना आया 126 है 44 है प्लस कर दो 6 प्लस 2 10 1 4 प्लस 2 6 और 1 7 170 आया तो ये 170 डिग्री आया which is not equal to 180 डिग्री ये 180 डिग्री के इक्वल नहीं है तो अगर 180 डिग्री के इक्वल नहीं है
तो ये एल पैरेलल नॉट एम बिकॉज इस पे पूरी लिखोगे बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ को इंटीरियर का मतलब होता है कि जब दो एक पैरेलल लाइन हो और इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो को इंटीरियर एंगल से दिस प्लस दिस 180 हो या दिस प्लस दिस 180 डिग्री हो तो पैरेलल हो जाएंगे. तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ. फर्स्ट पार्ट में ये पैरेलल नहीं है. अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे इसका. क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या है आपका, एक एल लाइन है ये और दूसरी आपकी एम है. ये है, ये सिचुएशन इस तरीके से है और यहाँ एक ट्रांसवर्सल है. तो यहाँ पर ये आपका ये इस कंडीशन में है, ये 75 डिग्री का ये एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी 75 का बन रहा है. और क्या ये पैरेलल है ये बताना है. तो देखो यहाँ पर इसको हम 1 ले रहे हैं यहाँ पर. तो 75 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा. रीजन क्या हुआ, लीनियर पेयर एंगल्स इज 180 डिग्री. अब हम यहाँ से एंगल 1 निकालेंगे तो 180 माइनस 75 तो एंगल 1 कितना आ गया. एंगल यहाँ से माइनस करेंगे तो 105 डिग्री आ गया. 105 डिग्री. अब देखिए यहाँ पर 105 डिग्री आ गया. या फिर आप ऐसे कर लो, इसे उसी मेथड से करते हैं हम. एंगल 1 को यहाँ पर ले लूंगा. ये एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 75 डिग्री. इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. एक ही मेथड से हम कर रहे हैं. वर्टिकली मतलब आमने सामने, जब कोई x बनता है ना क्रॉस कर रही है जो लाइन, अगर ये 75 डिग्री का है तो ये वाला भी 75 डिग्री का आएगा. तो ये कितना आ गया, 75 डिग्री आ गया. अब इन दोनों को प्लस कर दो, 75 डिग्री 75 डिग्री. अब ये कितना आ जाएगा, 150 डिग्री. 150 डिग्री आ गया, नॉट इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एल नॉट पैरेलल एम बिकॉज, रीजन क्या आएगा, बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स नॉट इक्वल टू 180 डिग्री. अब ये सम ऑफ को इंटीरियर, सम ऑफ को इंटीरियर का मतलब अंदर भी है एक ही साइड के है, इनका सम 180 डिग्री नहीं आया, तो ये एल और एफ पैरेलल नहीं. अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे. तो थर्ड पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं. हम क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट एक्सरसाइज आपकी 5.2 है और क्लास आपकी 7 है. तो देखिए बात, इसका थर्ड पार्ट है. थर्ड पार्ट में क्या है, ये एल है और ये क्या है आपकी एम है और यहाँ पर ये आपका ये ट्रांसवर्सल है एन है. ये 57 डिग्री है और ये 123 डिग्री है. बताना है कि ये लाइन पैरेलल है कि नहीं. तो हम इसको 1 ले लेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू 57 डिग्री. सीधे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये इक्वल आ गए क्योंकि वर्टिकली अपोजिट क्रॉस बनता है तो इसमें ये एंगल इसकी इक्वल आ जाएगा.
तो ये आपका आ गया 57 डिग्री। अब ये कोइंटीरियर है तो आप 57 डिग्री 123 डिग्री इनको प्लस करो 123 57 7 प्लस 3 10 5 प्लस 2 7 ऊपर 8 180 डिग्री आ गया। ये 180 डिग्री आ गया, ये सम कितना आ गया 180 डिग्री। Therefore F will be parallel M because region देखो sum of O interior angles is 180 degree. Sum of O interior angles 180 degree आ गया, तो ये parallel होंगे। इस तरीके से हमने sixth का यहाँ पर ये third part किया हमने। अब हम fourth part देखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट देखिए। अब इसमें क्या है देखिए, एक लाइन एन इस कंडीशन में है, ये एन है और एम की कंडीशन ए है, ये एम है और ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एन है और ये यहाँ पर एंगल 72 है और ए आपका 98 डिग्री है। अब हम देखें यहाँ से इसको बन ले लें तो एंगल 1 इक्वल टू 72 डिग्री होगा। ये आमने सामने के हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो ये कितना क्या आ गया, ये आ गया 72 डिग्री का। अब इन दोनों को प्लस करो 98 प्लस 72, इनको प्लस करो 98 और 72, तो प्लस करेंगे 8 प्लस 2 10 और ये कितना आएगा 10 प्लस 170 डिग्री नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। 180 सम नहीं आया है, 180 नहीं आया, इट मींस एल नॉट पैरेलल एम बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 5 6 किया। अब इसमें हम देखते हैं ट्राई दी, तो ये ट्राई दी देखिए, इसमें ट्राई दी हम देखने वाले हैं। इसमें ट्राई दी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख रहे हैं, ए आपका दिया है एल और ये है आपका एम और ये है आपका ट्रांसवर्सल और ये आपका 50 डिग्री और ए 50 डिग्री। तो हमें बताना है ए एल पैरेलल एम, अगर है तो क्यों है, वो भी रीजन बताना है। तो यहाँ पर देखिए ए है आपका L parallel M 50 = 50 since alternate interior angles fit करेंगे are equal, ये equal है तो हमने क्या पढ़ा, जैसे Z बन रहा है ना, Z के अंदर ये angle 50 degree है, ये angle 50 degree है, इसको जैसे हमने 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 50 डिग्री, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ गए, तो दिया वो एल पैरेलल एम। तो अल्टरनेट की पहचान क्या होती है, जेड के अंदर बनता है, एक अल्टरनेट हो गया। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकेंड पार्ट ट्राइडी और ये ट्राइडी पेज नंबर 86 है। पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 86 के ट्राइडी है। अब ये सेकेंड वाला देखेंगे हम, सेकेंड वाले में ये एल है और ये क्या है आपका एन है, ये ट्रांसवर्सल है, डी है, अब यहाँ पर ये 50 डिग्री है आपका और ये आपका 130 डिग्री है। तो ए आपका
वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, एंगल 1 = 150 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये इक्वल होंगे तो ये 130 डिग्री आ गया। आप देखो 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री ये कितना आएगा 180 डिग्री। सिंस सम ऑफ ओ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, सम कितना आ गया 180 डिग्री आ गया इंटीरियर एंगल्स का, तो ये इंटीरियर एंगल्स है ना 50 और 130, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री, देयरफॉर एल पैरेलल एम होगा। यस ये पैरेलल होगा। अब इसका थर्ड पार्ट बचा है, तो थर्ड पार्ट देखिए कैसे करेंगे हम। ट्राई दिस का थर्ड पार्ट, तो अब इसका थर्ड पार्ट है पेज नंबर 80, आपका पेज नंबर क्या है 86 है, पेज नंबर 86 है। तो इसका देखिए फिगर कैसे बना है, ये आपका L है और ये आपका M है और ये आपका ट्रांसवर्सल है, क्या है ये ट्रांसवर्सल, ये 70 है डिग्री और ये आपका X है और यहाँ पर if means given L parallel M to find X। अब L और M parallel है तो इसमें parallel की कंडीशन लग जाएगी, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स कितना आएगा 180, find X, तो यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, तो यहां से लीनियर पे घोर बन गया आपका, क्या नाम है, सम 180 बन गया, ये लीनियर इक्वेशन बन गई 180 और 70 इधर जाएगा माइनस का x = 110 डिग्री। तो इस तरीके से हमने यहां पर ट्राई दिस का तीनों पार्ट कर दिए यहां पर। अब देखिए आप यहां से ट्राई दिस का अगला क्वेश्चन है, अब ये देखिए ट्राई दिस, ट्राई दीज आपका पेज नंबर 85 का है, तो इसका जो है आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, यहाँ पर ये लाइन L है और ये आपकी M है और ये ट्रांसवर्सल है T, अब ये एंगल 60 डिग्री है, ये X है, तो इसमें लाइन L पैरेलल M की ट्रांसवर्सल X निकालनी है, If L parallel M तो यहाँ पर फाइंड करना है X, फाइंड X, तो ये देखिए Z बन गया, क्या बन गया ये Z बन गया, तो X equal to 60 degree आएगा, ये इसका आंसर होगा, रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, X आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, तो सेकंड पार्ट में इसका ट्राई दिस का पेज नंबर आपका वही चल रहा है 85, ये लाइन है, एक लाइन ये है और यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है, ये 55 डिग्री है और यहाँ पर ये वाई निकालना है, तो ये भी ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है
तो y इक्वल टू 55 डिग्री आंसर आएगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट बन गया, ये z बना कि नहीं बना, इस तरीके से ये z बन गया, ये z बन गया, ये 55 डिग्री बन गया और ये y बन गया, ये लाइंस पैरेलल है, तो आपका ये क्या आ गया अल्टरनेट, अल्टरनेट सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, आर इक्वल, तो ये आपका ये बन गया। तो इस तरीके से हमने आपका डायरीज का फर्स्ट सेकंड पार्ट कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो, वीडियो अगर समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।